हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखते घर में आप लोग सब सही हो जी। नेक्स्ट टारगेट ऑन फैंटासी गेम्स फैमिली में आपका स्वागत है। जो आपको मैं अभी जानकारी देने वाला हूँ बेंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल का, जो एक T20 मैच है, जो अभी तो भी मैच खेला जा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग का मैच है, जो मैच नंबर 19 है। जी मैच का जानकारी देने से पहले आप लोगों का मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि वह करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके संग बेल बटन को प्रेस कीजिए, जो आने वाला नोटिफिकेशन है आपको पता चल जाएगा। और वीडियो पूरा इन तक देखिए, और अगर कुछ जानकारी आप लोग छोड़ जाएंगे तो अच्छा टीम अब नहीं बना पाओगे। उसके साथ मेरा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट टारगेट ऑन फैंटेसी गेम्स में जुड़ जाइए, ये चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देने वाला हूँ, अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो उस जानकारी से आप अधूरा रह जाएंगे। आइए मैच का डिटेल्स। जो मैच शुरू होने वाला है शाम को 7:30 बजे से, और ये जो डेट है ये मंडे को होगा, 5/10/2020, और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे मैच होगा। पिच रहेगा बैटिंग फेवर में, और वेदर एकदम क्लियर स्काई है। टेम्परेचर 35.43 डिग्री सेल्सियस। T20 के इस मैदान पे एवरेज स्कोर है 163। और अगर लास्ट 5 मैचों का डिटेल्स चेक किया जाए, बेंगलोर ने 3 जीत हासिल हुआ, 1 हारा 1 ड्रॉ हुआ। और दिल्ली कैपिटल के तरफ से 2 जीता 2 हारा 1 ड्रॉ हुआ। और इस मैदान पर जो 64% चांसेस है जो फास्ट बैटिंग करेगा। और हेड टू हेड में अगर खेला गया, लास्ट 15 मैचों के अंदर 8 बार बेंगलोर जीता है, और 7 बार जो है ये दिल्ली कैपिटल ने मैच जीता है। और इसमें बॉलर के हेल्प मिलते हैं, तो मैं कुछ डिविशन करके रखा हूँ। फास्ट बॉलिंग के लिए 20, मीडियम के लिए 10, लेग स्पिन के लिए 20, लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स के लिए 27, ऑफ स्पिन के लिए 23। और इसमें इंटरनेशनल T20 का जो मैच हुआ था, इसमें 34 बार फास्ट बैटिंग जीता है, सेकेंड बार 37 बार। और टॉप मतलब स्कोरर है 5 मैचों के अंदर दोनों टीम के अंदर, एक में आईआर 183 45.75 एवरेज से, एक देवदूत 174 43.05 के एवरेज से। टॉप विकेट टेकर है रावाडा 10, चहल ने 9। और ये पिच बॉलर के लिए मदद करने वाला है। और बेंगलोर के जो प्लेइंग 11 होने वाले, मैं कुछ निकल के रखा हूँ। उन लोगों का बैटिंग एवरेज इस आईपीएल के लिए, फिंच का 27.25, देवदूत का 43.45, विराट कोहली 30, एबीडी 73, शिवम दुबे 23 बैटिंग एवरेज, 4 विकेट लिया। वाशिंगटन सुंदर ने 30 बैटिंग एवरेज, 1 विकेट लिया। इसरुद्दीना ने 4 विकेट लिया, नवदीप सैनी ने 3, चहल 8, स्टेन 1। और दिल्ली कैपिटल के तरफ से होने वाला आईआर 56.67, ऋषभ पंत 44.67, एलेक्स करी, शिखर धवन 23.75, अजिंक्य रहाणे, इमरान हेटमा 17.5। ये सब बैटिंग एवरेज। अक्षर पटेल ने 2 विकेट, मार्कस स्टोइनिस 3 विकेट लिए, बैटिंग एवरेज 23.33। और कीमोपल खेलेगा, रावर के तरफ से 8 विकेट लिए। अगर प्लेयर्स का बैटल जो है, धवन वर्सेस चहल के तरफ से 24 बॉल में 3 विकेट लेकर 28 रन दिया। एबीडी वर्सेस रावाडा 10 बॉल का फेस किया, 21 रन बनाए, 2 बार आउट हुए। विराट वर्सेस रावाडा 13 बॉल में 12 रन बना पाए, 1 बार आउट हुए। रहाणे वर्सेस चहल 17 बॉल में 8 रन बना पाए, 1 बार आउट हुए। आईएन ने 20 बॉल में 30 रन बना पाए, 2 बार आउट हुए। ड्रीम टीम है ऋषभ पंत, एबीडी, विराट, आईआर, धवन, शॉ, देवदूत, सुंदर, नवदीप, नॉटिंगे, चहल, कैप्टन कोहली और वाइस कैप्टन पंत के रखा हो। जी एक डेवल टीम है, फाइनल टीम नहीं है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, कृपया करके चैनल सब्सक्राइबर के संग जाइए, तो नहीं जाएंगे तो मिस कर जाएंगे। और टेलीग्राम में जुड़ने से बाद, अगर मैच सुनने से पहले फाइनल अपडेटेड टीम आपको दिया जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा बातों को ध्यान से फॉलो करो, उससे आप लोग बहुत बढ़िया टीम बना पाओगे। और मैं मेरा ओपिनियन के हिसाब से मैं एक टीम आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छे लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।